घरों में तरह तरह के पकोड़े बनाए जाते हैं। आज हम गोभी के पकोड़े बनाएंगे। आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो गोभी के पकोड़े एकदम क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। नमस्कार, मैं प्रीति प्रीति सैफरन में आपका स्वागत करती हूँ। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम देखते हैं कि गोभी के पकौड़े कैसे बनाते हैं। गोभी के पकौड़े बनाने के लिए ये मैंने आधा किलो फूल गोभी लिया है। इनको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और फिर अच्छे से मैंने तीन चावा पानी से धो लिया है। अब हम पकौड़े के लिए बेसन का बैटर तैयार करेंगे। ये मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोलेंगे। बैटर को हमें ना ज्यादा गाढ़ा रखना है ना ज्यादा पतला, क्योंकि पतला रखेंगे तो हमारे पकौड़े नहीं बनेंगे और गाढ़ा रखने पे हमारे पकौड़े ज्यादा ठोस बन जाएंगे। बेसन के बैटर को हमने घोल लिया है। ये देखिए, ना ज्यादा हमने गाढ़ा रखा है ना ज्यादा पतला रखा है। अब हम इसे थोड़ी देर अच्छे से फेंटेंगे, लगभग 1 मिनट, जिससे हमारा बैटर अच्छा चिकना बन के तैयार होगा। बेसन के बैटर को हमने घोल लिया है। अब इसको हम 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। बैटर का रेस्ट टाइम हमारा पूरा हो गया है। हमने बैटर को रेस्ट इसलिए दिया था क्योंकि हम इसमें कोई भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यूज नहीं कर रहे हैं, तभी हमारे पकौड़े एकदम क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें अदरक डालेंगे। ये मैंने एक टुकड़ा अदरक का ग्रेट कर लिया था, इसको डाल देंगे। 2 हरी मिर्च, इसको बारीक काट लिया है, इसे डालेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर डालेंगे। मोटी सौंफ को मैंने दरदरा पीस लिया था। नमक हम 1 चम्मच डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हैं। और 2 चम्मच हम चावल का आटा डालेंगे, जिससे हमारे पकौड़े क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। और ये थोड़ा हरा धनिया है, इसको बारीक काट लिया, ये भी डाल देंगे। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर पकौड़ों को फ्राई करेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। तेल हमारे अच्छे से गर्म हो गया है, तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। यदि ठंडे तेल में पकौड़ों को फ्राई करेंगे तो पकौड़ों में तेल भर जाएगा। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम पकौड़ों को फ्राई करेंगे। अब हम गोभी को बैटर में डिप करेंगे, फिर पकौड़ों को फ्राई करेंगे। अब हम गोभी के पकौड़ों को फ्राई करेंगे। पकौड़ों को तेल में डालते समय हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। क्योंकि हम तेज फ्लेम कर देंगे तो हमारे पकौड़े अंदर से नहीं सिकेंगे। पकौड़ों को हमने तेल में डाल दिया है, अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। अब हम पकौड़ों को पलटेंगे। और लाइट ब्राउन होने तक सेकेंगे। हमारे पकौड़े लाइट गोल्डन हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे और फिर ठंडा करेंगे और फिर दोबारा हम इनको फ्राई करेंगे। जब आपको सर्व करने हो तब आप दोबारा फ्राई करके इन्हें सर्व कर सकते हैं। आप 1-2 घंटा पहले इन्हें इस तरह से बनाकर रख सकते हैं। अब हम पकौड़ों को दोबारा फ्राई करेंगे। जब आपको सर्व करने हो तब आप दोबारा फ्राई कर सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, तेल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए। अब हम पकौड़ों को तेल में डालेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे। हमारे
सारे पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो गए, इनको निकाल लेंगे और फिर इसी तरह से सारे पकौड़ों को दोबारा फ्राई कर लेंगे और फिर हम सर्व करेंगे। गोभी के क्रिस्पी पकौड़े बनके तैयार हैं। आप इन्हें स्नैक्स में टमाटो सॉस या हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके पकौड़े भी एकदम क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।